एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजरा ब्यूटी पार्लर। सो जिसके कमेंट में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई ऐसा हेयर कट सिखाएं जो बहुत ही इजी हो और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाला हो, मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर कट शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो किस तरह से ईजिली आप हेयर कट कर सकते हैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लें, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ जो हेयर कट शेयर करूंगी, फोर हेयर कट शेयर करूंगी, यानी एक ही बालों में फोर स्टेप्स दिखाऊंगी आपको किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि आप स्ट्रेट कट करेंगे, फिर लेयर कट करेंगे, फिर उसको किस तरह से लेयर को स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टी स्टेप्स किस तरह से करेंगे। ये हेयर कट बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, यानी क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को आप इस तरह से हेयर कट दे सकते हैं। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ शॉर्ट हो या लॉन्ग हो ये क्लाइंट से पूछ। मेरे क्लाइंट के आप हेयर देख सकते हैं, हेयर कवरेज का काफ़ी ज़्यादा इशू है, यानी वाइट हेयर काफ़ी ज़्यादा है। हेयर डाई बाद में करेंगे, पहले हेयर कट करेंगे। जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो पहले हेयर कट कर लें, उसके बाद डाई करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर बाद में करना चाहें तो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो बालों को अच्छी तरह से आप वेट कर लेंगे, यानी प्रॉपर आपको 100% वेट करना होता है, कहीं से बाल ना रहे, क्योंकि इस तरह के वेवी कर्ली हेयर्स जब होते हैं तो वो थोड़े से टर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट ना हो अगर प्रॉपर तरीके से तो कहीं से रह जाते हैं। तो अच्छी तरह से आप वेट करने के बाद कॉम कर लें। सो ये जो हेयर कट है बहुत ही इजी है, यानी कि आप इस तरह से एनी हेयर कट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा भी लगता है। स्टेप्स भी बहुत अच्छी तरह से नज़र आते हैं, यानी एक एक लेयर आपको नज़र आएगी एंड बैक साइड पे भी लुक काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ लेयर कट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजी वे में कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सेक्शन बनाने होते हैं। सो कॉमिंग आपको बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, बार बार कॉम करें ताकि आपके बाल अच्छी तरह से सेट हो और अच्छी तरह से हेयर कट भी हो। हेयर कटिंग के लिए हेयर कट कॉम यूज़ करें, इस तरह का हेयर कटिंग कॉम होता है आप देख सकते हैं, और जिस तरह का मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से भी आप हेयर कटिंग कर सकते हैं, यानी एनी कॉम से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट के यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं अगर कटिंग कॉम नहीं होता हेयर कट नहीं होता क्या। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एनी कॉम से कर सकते हैं, लेकिन कटिंग कॉम से ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि उसकी जो लाइन्स होती है, लेयर्स होती है, काफ़ी सेट रहती है, बिल्कुल एक वे में होती है। सो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप कोई सा कॉम यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह का कॉम यूज़ करें जो बिल्कुल इक्वल एक बैलेंस में हो। ये जो कॉम है ये बैलेंस का है, इस तरह का आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा कटिंग कॉम ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास है तो आप उससे हेयर कट करें। सेक्शनिंग मैंने कर ली है, बहुत ही ईजी सेक्शन है। बैक साइड पर 3 सेक्शन है, फ्रंट पर 2 सेक्शन है, आपने देखा। उसके बाद मैं बैक साइड से जो सेंटर का सेक्शन है उस पर कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके आपको 0 डिग्री पर कट करना है। फिंगर की हेल्प से हेयर को पकड़ेंगे इस तरह से और फिर कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए आपकी बेस्ट सीजर का होना जरूरी है, यानी कटिंग सीजर का ही यूज़ करेंगे ताकि आपके हेयर कट अच्छी तरह से हो जाए। कटिंग सीजर मार्केट से इजिली मिल जाती है और हेयर कट बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं, कटिंग सीजर से ही कट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आप देख सकते हैं मैंने 0 डिग्री पे कट किया है जो कि स्ट्रेट कट हुआ है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन लिया मैंने, इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको कट करना है, यानी कि गाइडलाइन थोड़ी सी लेनी है, थोड़े से लेयर्स लेने हैं और इसको मर्ज करना है। इस तरह से आप करेंगे, देख सकते हैं मैं जिस तरह से लेयर्स ले रही हूँ, इस तरह से आपको मर्ज करना है दूसरे बालों पर, यानी दूसरे लेयर्स पे, और मैनेज करके फिर कट करना है। यानी कि जो सेंटर के लेयर्स थी उसमें से थोड़े से मैंने हेयर लिए हैं, साइड के लेयर पे ले जाने के बाद 0 डिग्री पे मैं कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जो लेयर्स नज़र आ रही, मैं फिंगर से शो करवा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, जहाँ तक बाल है उधर तक ही आपको कट लेना है। सो ये जो हेयर कट मैंने किया है इसे स्ट्रेट कट कहा जाता है, यानी आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि हेयर स्ट्रेट करने हैं, यानी कि उनको लेंथ चाहिए, उनको कटवट कुछ भी नहीं चाहिए, तो स्ट्रेट करने के लिए इस तरह से आप इजी हेयर कट कर सकते हैं। 3 सेक्शन पे लेके 0 डिग्री पे कट कर लें तो आपका हेयर स्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद अगेन उसको रिपीट करके चेक करें कहीं से बाल आगे पीछे तो नहीं है, अगर सेट रहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो आगे पीछे हैं तो उसको फिर कट कर लें। इस तरह से एक हेयर कट आपका कवर हो जाता है, यानी स्ट्रेट कट कवर हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल कट करना है, स्ट्रेट कट करना है, आपके क्लाइंट के अगर लॉन्ग हेयर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर, तो उसको स्ट्रेट करके आप कट कर लें तो स्ट्रेट कट कहलाता है। अब सेकंड नंबर पे जो कट मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं लेयर्स किस तरह से आपको देनी है। जो हेयर हमने 0 डिग्री पे कट किया था उसको मैं 45 डिग्री पे ले जाके कट कर रही हूँ। इस तरह से उठा के ले जाना होता है, आप देख सकते हैं पहले 45 डिग्री पे ले जाके कट करेंगे, उसके बाद फिर 90 डिग्री पे मैं ले जा रही हूँ। 90 डिग्री पे ले जाने के बाद जो हेयर आगे पीछे हो रहे होता है उसको कट करना होता है, उसके बाद फिर छोड़ देना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि जब हेयर को कट करके आप छोड़ेंगे तो
इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक बारीक लेयर आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि बारीक बारीक बाल हैं उस पर एक एक कट आगे पीछे है। इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है आपके हेयर पे, यानी कि आपके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप्स चाह रहे हैं, ज़्यादा स्टेप्स चाहिए आपके क्लाइंट को या कम स्टेप्स चाहिए, तो ये आप क्लाइंट से पहले पूछ लें। क्लाइंट के ओपिनियन के हिसाब से अगर आप हेयर कट करते हैं क्लाइंट आपका हैप्पी होता है। सो ये जो मैं आपके साथ स्टेप शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आप इजीली हेयर कट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट की डिमांड होती है कि और ज़्यादा स्टेप चाहिए जो आपके बालों में कैचर में भी फील हो या पोनी बना रही हैं तो उसमें भी फील हो, तो फिर मज़ीद और हेयर कट में स्टेप्स लेंगे। कटिंग करते टाइम आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि हेयर कट करते वक्त आपको कॉमिंग बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, यानी कॉम करें फिर कट करें, कॉम करें फिर कट करें। अगर कॉमिंग अच्छी तरह से नहीं करते तो आपके बाल कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो आपने देखा मैंने जो सेंटर की लेयर थी पहले उसे कट किया, उसके बाद मैं इस तरह से हेयर जो कट कर रही हूँ यानी शोल्डर के साइड पर ला के एक कट किया, और जो राइट वाला था वो भी शोल्डर के पास ला के मैंने कट किया। तो इस तरह से थ्री सेक्शन पर मैंने पहले हेयर कट कर लिया है आपने देखा, और बैक साइड पर एक बहुत ही अच्छा सा वी शेप का कट आ जाता है, यानी कि फर्स्ट कट जो हमारा हुआ था स्ट्रेट कट, सेकंड कट जो है वी कट, यानी कि आपको ईजिली किस तरह से वी कट करना है या किस तरह से स्ट्रेट करना है ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। यानी कि पहले स्ट्रेट करेंगे उसके बाद वी शेप कट करेंगे जिसमें स्टेप्स भी आपको फील होंगे यानी लेयर्स आएंगी, उसके बाद फिर जो मल्टी कट्स होगा यानी कि मल्टी लेयर्स किस तरह से आती है वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन फ्रंट पर पहले आ जाते हैं, फ्रंट पर किस तरह से हेयर कट करना है आप देख सकते हैं, क्योंकि सैलून्स पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें वी शेप कट भी करवाना होता है, यू शेप भी करवाना होता है, स्ट्रेट भी करवाना होता है, स्टेप्स भी करवाना है, लेयर्स भी करवाना है, मल्टी लेयर्स भी करवाना है, बैंक्स भी करवाना है। तो डिफरेंट हेयर कट आप एक ही कट की हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ एंगल देखना होता है किस एंगल पे आप कट कर रहे हैं। बैक साइड पे कट करने के बाद फ्रंट का जो हेयर है वो आप कट कर रहे हैं, फ्रंट पे भी इस तरह से हेयर कट करेंगे, यानी कि 0 डिग्री के बाद 45 है एंड उसके बाद 90 डिग्री का आप इस तरह से कट करेंगे जिस तरह से आप स्टेप्स चाहते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी लेयर्स पे अगर स्टेप्स कट करते हैं यानी 45 और फिर उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका एंगल बढ़ जाता है, यानी कि डिग्री बढ़ जाती है, उसके बाद फिर आप 90 पे लाके कट करेंगे तो स्टेप काफ़ी अच्छे आते हैं आपके हेयर पर। हेयर कट करने से पहले अपने क्लाइंट से लाजमी उनकी ओपिनियन लें कि उनको लेंथ पसंद है या फिर स्टेप चाहिए तो कितनी लेंथ में चाहिए, शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए। तो क्लाइंट के हिसाब से अगर कट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, यानी क्लाइंट हैप्पी भी होता है और टेंशन नहीं आती। सो आप देख सकते हैं मेरा जो हेयर कट है कम्प्लीट हो चुका है। बैक पर जब हेयर कट करेंगे तो कम हेयर कट करना है, यानी कि लेंथ शॉर्ट ना हो तो कम हेयर कट करेंगे। फ्रंट पर आप क्लाइंट के ओपिनियन के हिसाब से करें, यानी कितने शॉर्ट्स हेयर चाहिए, नोज तक चाहिए या फिर चिन तक चाहिए या उससे लॉन्ग चाहिए, तो क्लाइंट के हिसाब से आप कट करें तो वो मसला नहीं होगा। मेरी जो क्लाइंट है उनको ये मसला था कि उनको चिन तक चाहिए थे, यानी चिन से नीचे जाने चाहिए ताकि गर्मियाँ हैं कैचर लगाएं तो कैचर में हेयर आ जाए। अगर गर्मियाँ नहीं होती तो फिर टेंशन नहीं होती, आप पफ बनाएं या फ्रंट पे इस तरह से लेयर को छोड़ें। फ्रंट पे इस तरह से तिरछा हेयर करके आपको कट करना होता है ताकि शेप अच्छी तरह से आए, और दोनों लेयर्स को चेक करना होता है कोई आगे पीछे है तो उसे आप सेट कर लें, यानी इक्वल करना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रंट पे जो लेयर है वो लेयर भी है, बहुत अच्छे स्टेप्स भी आ रहे हैं और लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी, यानी कि क्लाइंट के हिसाब से आप हेयर कट करेंगे। मल्टी लेयर स्टेप किस तरह से करेंगे आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी जो मेरा थर्ड स्टेप है आप देख सकते हैं एक लेयर कट हो चुका है जो कि बहुत इजी वे में हुआ है, यानी कि ये जो हेयर कट हुआ है लेयर कट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर होता है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट की डिमांड होती है हेयर कट करें। तो हेयर कट आप इस तरह से ईजी वे में कर सकते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है, बैक से भी और फ्रंट से भी दोनों में बहुत अच्छा लुक आता है। हेयर कट करने के बाद इस तरह से आप ब्लो ड्रायर करेंगे, यानी बैक साइड पे इस तरह से ड्रायर करना होता है ब्रश की हेल्प से। इस तरह से ड्रायर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता होगा ब्रश आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शेप चाह रहे हैं बालों पर, लाइट चाह रहे हैं या हैवी चाह रहे हैं। सो ब्लो ड्रायर करने के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से स्टेप्स फील हो रहे हैं। इस तरह से आपको जो सेक्शन पर आपने कट किया है इसी तरह से सेक्शन पर ला के हेयर को ब्लो ड्रायर करना होता है ताकि आपके हेयर पर काफ़ी अच्छा सा शेप आ जाए। सो इस तरह से हमारा जो थर्ड कट है लेयर कट वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ रहा है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेट करके भी इस बालों को रख सकते हैं एंड आप इस तरह से ब्लू ड्रायर करके भी लुक दे सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। एंड फ्रंट के बाल आप देख सकते हैं फेस पर नहीं आ रहे, यानी कि शॉर्ट हेयर आपको नहीं करने की, अगर क्लाइंट की डिमांड है कि उनको चिन से नीचे चाहिए तो चिन से नीचे ही आपकी लेयर हो।
सो ये जो हेयर कट है बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रंट से भी अच्छा लगता है। क्लाइंट के हिसाब से कट हुआ हुआ होता है तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि फ्रंट पे अगर आप शॉर्ट हेयर कर लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए अच्छा तो लगता है, लेकिन क्लाइंट को गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, बार बार क्लिप लगानी पड़ती है। तो बैक पे अगर आप क्लिप लगाना चाहते हैं, पोनी बनाना चाहते हैं, तो पोनी भी आपकी काफ़ी अच्छी लगेगी। हाई पोनी भी आप बना सकते हैं, कैचर में फोल्ड भी कर सकते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगती। क्लाइंट इस तरह के हेयर कट चाहते हैं जो वो ईजिली कैरी कर सकें, क्लाइंट के हिसाब से ही हेयर कट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें शेप आ रहा है बैक साइड से भी। लेयर कट जो होता है वो स्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ब्लू ड्रायर करेंगे तो ब्लू ड्रायर भी कर सकते हैं, दोनों लुक में काफ़ी अच्छा लुक लगता है। ये क्लाइंट के हिसाब से करें, अगर स्ट्रेट बाल पसंद है क्लाइंट को तो आप स्ट्रेटनर करें, एंड अगर ब्लू ड्रायर करना चाह रहे हो गाइड करना आपके ऊपर है, क्लाइंट को गाइड करें कि आपके हेयर पर स्ट्रेट लुक अच्छा लगेगा या फिर कर्ल्स अच्छे लगेंगे। सो थ्री कट्स जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, अब जो फोर कट करने जा रहे हैं वो मल्टी हेयर कट किस तरह से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, हर बालों में आप कर सकते हैं, लॉन्ग हेयर हो शॉर्ट हेयर हो। मल्टी स्टेप्स कट करने के लिए इस तरह से हेयर पे सेक्शनिंग करेंगे, यानी कि सेंटर पे आप देख सकते हैं जो सेक्शन मैंने लिया है, ए जिस तरह से बनाते हैं यानी कि उल्टा वी कह लें, इस तरह से आपको एक सेक्शन लेना है और जो सेक्शन है बाकी बारीक बारीक सेक्शन लेने, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेयर लेवल में लेने हैं, यानी कि इनके जो वाइट हेयर हैं तो इस तरह से फील नहीं हो रहे, लेकिन आपको बिल्कुल एक वाजे लेयर निकालनी है। इस तरह से आप लेयर लेके 45 और फिर 90 डिग्री पे कट करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको शो करवाया पहले, इसी तरह से आपको हेयर कट करना है। इस तरह से आपके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं और जितनी बारीक लेयर के स्टेप्स होंगे उतनी ज़्यादा बालों में फील होगा स्टेप, बहुत ही अच्छा सा लगेगा। मल्टी हेयर कट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी से फीलिंग आती है इसमें। इस हेयर कट को लेने के बाद आपके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आते हैं, यानी कि आप पोनी बनाएं या कैचर लगाएं, किसी तरह से भी स्टाइल करते हैं, आप स्ट्रेट करें या ना करें या ब्लू ड्रायर करें या ना करें, आपके हेयर पे काफ़ी अच्छा स्टेप नज़र आता है, यानी कि काफ़ी अच्छी कटिंग आपकी लगती है विदाउट लुक के। क्योंकि अगर आप ब्लू ड्रायर करवाते हैं या हेयर स्ट्रेट कराते हैं तो उससे एक लुक आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है और क्लाइंट चाहते हैं कि आपके हेयर काफ़ी देर तक इसी तरह से चलें लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि आपको स्ट्रेट कराना ना पड़े और कोई सा भी शेप लेना ना पड़े और बालों में फिर भी लुक आए, तो इस तरह से आपके हेयर पर काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।